हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप थ्री वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी पुरानी बेडशीट पड़ी है तो उसे फेंकने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया। इसके लिए आप अपनी कोई भी पुरानी बेडशीट ले लीजिए, आप एक या दो बेडशीट भी ले सकते हैं। अगर आपकी बेडशीट बीच से अगर टूट भी गई है तो आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने मिडल से इसे जो बीच में बहुत ही ज़्यादा गला हुआ पार्ट था तो उसे कट करके यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बेडशीट साइड से बहुत ही अच्छी होती है लेकिन वो मिडल से ही फट जाती है। तो ये मेरी 6x6 की बेडशीट थी जो मिडल से थोड़ा फट गई थी, तो मैंने मिडल से उसे कट करके यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब ये जो बेडशीट है उसे मैंने फोल्ड करके डबल रखा है और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक साड़ी की। आप आपकी कोई भी ओल्ड साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह से एक साड़ी ली है। इस साड़ी को पहले मैंने पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब मैं इसे इसका ऊपर का कवर बनाऊंगी। अगर आप साड़ी से पर्दे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी को यहाँ ऊपर से फोल्ड कर लिया है और यहाँ जो इसका पल्लू का पार्ट था उसमें एक साइड वहीं अटैच रहने दिया और एक आधा कट करके यहाँ नीचे की साइड ऐड कर लिया है। अब यह फट चुका है और जो ये सेकंड पार्ट था साड़ी का उसमें ये जो पल्लू है उसे मैंने यहीं पर अटैच रहने दिया था और नीचे से कट करके यहाँ पर सेकंड साइड अटैच कर लिया था और यहाँ पर भी पैक कर दिया था। अब बेडशीट के ऊपर हमें साड़ी को रख कर इस तरह से नाप लेना है। मैंने पहले एक पार्ट्स रखा है, उसके ऊपर सेकंड पार्ट्स रखा है। अब जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरी साड़ी की किनारे पर इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अगर आपका फोल्ड किया हुआ नहीं है तो आप इसे फोल्ड कर लीजिए, फिर दोनों उल्टी जो सही साइड है वो हमें अंदर की साइड रखनी है और यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम सीधा ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। मैं आपको सिंपल ही समझा देती हूँ, ये इतना ज़्यादा बड़ा कपड़ा है तो मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी बेडशीट है, इसे हमने डबल करके रखा है। उसके बाद हमें इसी के नाप से साड़ी के दो पार्ट्स कट कर लेने हैं। ये मैंने साड़ी के दो पार्ट्स कट कर लिए। अब हमें साड़ी के दोनों पार्ट्स को इसी के नाप से कट करना है। उसके बाद हम उसे जो सही साइड है वो अंदर की साइड रखेंगे। ये सही साइड है और इसकी ये वाली सही साइड है, तो हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से स्टिच स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। और अगर यहाँ पर आपका फोल्ड किया हुआ नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। अभी हमने साड़ी को इस तरह से यहाँ पर थ्री साइड से जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर हमने ओपन छोड़ा है। अब इसे ऐसे ही रहना देना है और इसके ऊपर हमें हमारी जो डबल बेडशीट है उसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है। अगर आप दो बेडशीट लेना चाहते हैं तो दो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास छोटी छोटी दो बेडशीट हैं तो आप उसको भी यहाँ पर डबल करके रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस साइड ओपन है उस साइड से नहीं, पर जिस साइड से क्लोज है उस साइड से इसे इस तरह से राउंड में रोल करना है, पूरा ऊपर तक रोल करने के बाद इसे हम यहां से इस तरह से ओपन। अगर ये हमारा बड़ा है तो ये आपको इस तरह से हाथ में नहीं उठाना है, यहां इस तरह से नीचे ही रखना है और इसे इस तरह से बाहर निकालना है। अब इन तीनों छोर को अच्छे से पकड़कर हम इस तरह से रखेंगे और ये जो नीचे का अंदर का पार्ट है उसे हमें धीरे धीरे खोलते जाना है। आप यहाँ पर किसी और की मदद ले सकते हैं अगर अकेले नहीं कर सकते तो,
क्योंकि ये जो मैं दिखा रही हूँ वो छोटा सा है, लेकिन हम जो साड़ी से बना रहे हैं वो बड़ा बनेगा। आप इस तरह से रजाई बना सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बना के बता रही हूँ उसका इस्तेमाल आप फ्लोर मेट की तरह पर कर सकते हैं, चटाई की तरह कर सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो अगर हम इसे अपने हॉल में या रूम में बिछा कर रखेंगे, उसके ऊपर बच्चे होमवर्क कर सकते हैं या तो फिर खेल भी सकते हैं। और ऐसे ही अगर ये बिछा रहेगा तब भी पैरों में ठंड नहीं लगती है और गर्मी बनी रहती है। बस इस तरह से आपको अच्छे से उसके कॉर्नर निकाल लेने हैं और अच्छे से सेट करना है धीरे धीरे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर ओपन छोड़ा था, अगर ये एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है तो उसे कट करके आप इसे, ये जो दोनों हमने यहाँ पर फोल्ड करके रखा था उसके ऊपर आप स्टिच कर लीजिए। यहाँ ऊपर स्टिच कर लीजिए तो बस ये रेडी है। उसके बाद हमें हल्की हल्की यहाँ पर ऊपर स्टिच करनी है और यहाँ पर, जिससे ये अंदर की जो बेड शीट है वो हिलेगी नहीं और एक जगह पर जमा नहीं हो जाएगी। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आप हाथ से भी इसे बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरे में स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कॉर्नर में थोड़े से टाँके ले लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, चारों कॉर्नर पर थोड़े से टाँके ले लीजिए और एक दो मिडल में ले लीजिए, तो बस आपकी साड़ी सिक्योर हो जाएगी और वो बेड शीट के साथ बिल्कुल भी अलग नहीं होगी, अच्छे से उसके साथ सिक्योर हो जाएगी। अब मैं आपको ये रेडी करके दिखाती हूँ। और अगर आपकी बेडशीट में भी इस तरह से ये टसल है तो आप उसे अच्छे से यहाँ पर कट करके अलग कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, तो वो अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसे कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि हम इसे अगर इसके अंदर रखेंगे तो ये थोड़ा सा इसका जो नोट है वो लग सकता है, चुभ सकता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है, यहाँ पर सेकंड साइड भी इस तरह से स्टिच कर ली है और यहाँ पर आगे जो ओपन था उसे भी यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब बेडशीट के जो लटकन थे उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर देंगे, वापस से मैं अटैच कर लूंगी इसे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर यहाँ पर अटैच करके स्टिच कर लूंगी। तो देखिए गाइस, ये हमारी आप चटाई कहें या फ्लोर मैट कहें, ये रेडी हो चुका है और इसे आप अपने बेडरूम में भी इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे आप बेड से सीधा ही नीचे उतरेंगे तो आपको तुरंत ठंडा नहीं लगेगा और इससे आपका रूम भी वार्म रहता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे अपने हॉल में लगा सकते हैं जहाँ पर बच्चे इसके ऊपर इजिली खेल सकते हैं या फिर वो अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, उसे बिल्कुल भी फर्श ठंडा नहीं लगेगा। तो गाइस, आप भी इस तरह से अपनी पुरानी साड़ी या फिर पुरानी बेडशीट का बहुत ही सुंदर और उपयोगी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारे लोग इससे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।